तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैच मेकिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस, बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे बोल रहे थे कि भाई हमारा बीआर रैंक मैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई हमारा सीएस रैंक मैच स्टार्ट नहीं हो रहा है। और गाइस, कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रहा था कि जब भी वो कोई भी मैच स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे 2-3 मिनट तक मैच मेकिंग ही होता रहता है, लेकिन उनका मैच स्टार्ट नहीं होता। तो गाइस, अगर आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर मैच मेकिंग प्रॉब्लम आपके साथ क्यों होता है, और आखिर आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलो, अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि आखिर ये मैच मेकिंग प्रॉब्लम आपके साथ होता क्यों है। तो गाइस देखो, ये जो मैच मेकिंग प्रॉब्लम है ये आपके साथ तभी होता है जब आपकी फ्री फायर की जो आईडी है वो ब्लैक लिस्ट में चली जाती है। अब आप ये बोलोगे भाई ब्लैक लिस्ट क्या होता है? तो गाइस देखो, फ्री फायर गेम में ऐसी इनलीगल चीज़ें हैं जो अगर आप लोग करोगे तो आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट में फ्री फायर वाले डाल देते हैं। तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, अगर आप लोग अपने गेम में हैक यूज़ करोगे, मतलब कि अपने फ्री फायर गेम को हैक लगा के खेलोगे, या फिर हैकर के साथ खेल के रैंक पुश करोगे, या फिर जो ग्लिचेस फाइल होती हैं वो अगर आप अपने गेम में लगाओगे, या फिर जो भी GFX टूल होता है जिससे आपको बहुत सारे कपड़े की स्किन या फिर गन की स्किन मिल जाती है बिल्कुल फ्री में, तो अगर आप ये सारे काम करोगे तो फ्री फायर वालों को ये पता चल जाता है, और उसके बाद वो लोग आपकी आईडी को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने फ्री फायर गेम को हैक करके नहीं खेलना है, और ना ही आपको कभी भी हैकर के साथ रैंक पुश करना है, और ग्लिच फाइल को तो बिल्कुल भी कभी भी यूज़ मत करना, क्योंकि इससे आपकी आईडी बैन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे काम अगर आप लोग करोगे तो आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट में चली जाएगी, और इसी वजह से आपके साथ मैच मेकिंग का प्रॉब्लम होता है। तो गाइस चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इस मैच मेकिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरे पास 3 ट्रिक है, तो चलो मैं आपको तीनों ट्रिक बताता हूँ। तो हमारी जो पहली ट्रिक है वो ये है कि मान लो आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट में चली गई है और आपका मैच मेकिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक नया आईडी बना लेना है, क्योंकि गाइस जब तक आपका आईडी ब्लैक लिस्ट में रहेगा तब तक आपके उस आईडी में मैच मेकिंग का प्रॉब्लम होता रहेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग एक नया आईडी बनाकर उसमें खेलो, क्योंकि जब तक आपका आईडी ब्लैक लिस्ट में रहेगा तब तक आपके साथ मैच मेकिंग का प्रॉब्लम होता रहेगा, और आप लोग खुद से अपनी आईडी को ब्लैक लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप लोग गेम खेलना चाहते हो तो नया आईडी बना लो और उससे आप लोग खेलो। और हमारी जो दूसरी ट्रिक है वो ये है कि मान लो गाइस आप एक न्यू आईडी नहीं बनाना चाहते हो, आप लोग यही चाहते हो कि मैं उसी आईडी से गेम खेलूं, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो आपको करना क्या है कि जिस आईडी में आपके साथ मैच मेकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहले आपको उस आईडी को ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे वो मोड सेलेक्ट करना है जो आप खेलना चाहते हो। अगर आप बीआर रैंक मैच खेलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बीआर रैंक मैच सेलेक्ट करना है, अगर आप सीएस रैंक मैच खेलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सीएस रैंक मैच सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऊपर मैच मेकिंग चलेगा उसको कट कर देना है, फिर से स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कट कर देना है। तो इसी तरीके से आपको 5-6 बार यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर कट कर देना है। तो जब आप यहाँ पे 5-6 बार ऐसे करोगे तो उसके बाद एकदम से आपको यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, मैं पर्सनली खुद ही इस ट्रिक को ट्राई करता हूँ, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि यहाँ पे टाइमिंग बहुत देर तक चलता रहता है, तो मैं जब ऐसे 5-6 बार करता हूँ तो यहाँ पे मेरा मैच स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार जरूर से आप लोग इस ट्रिक को ट्राई करके देख लेना, क्या पता आपका मैच स्टार्ट हो जाए। और गाइस, हमारी जो तीसरी और आखिरी ट्रिक है वो ये है कि अगर आप लोग अपनी आईडी को ब्लैक लिस्ट में से बाहर लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको फ्री फायर के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग फ्री फायर के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने फ्री फायर गेम का सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको कस्टमर सर्विस पे क्लिक करना है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपने नाम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सबमिट अ रिक्वेस्ट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पे आपको अपना गेम सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा गेम खेलते हो। जैसे मैं फ्री फायर गेम खेलता हूँ तो यहाँ पे मैं फ्री फायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब आप यहाँ पे फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका प्लेयर आईडी और इन गेम नेम अपने आप आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे टाइप ऑफ रिक्वेस्ट में सेलेक्ट करना है थर्ड वाला ऑप्शन गेम कंसर्न्स का। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम में आपको टेक्निकल इशू सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको इस पे टिक कर देना है, और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिखना है मैच मेकिंग प्रॉब्लम प्लीज़ सॉल्व। तो ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट में आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। तो अभी आप लोग यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ऐसा स्क्रीनशॉट आपको भी एक ले लेना है,
और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करके वो स्क्रीनशॉट अपलोड करके यहाँ पे इसे सबमिट कर देना है। तो गाइस जब आप यहाँ पे इसे सबमिट कर दोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फ्री फायर के कस्टमर केयर तक पहुँच जाएगी और हो सकता है इसके बाद आपकी जो मैच मेकिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो गाइस आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि मैच मेकिंग प्रॉब्लम आपके साथ क्यों होता है और आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।